हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने देखिए मोलेरिटी की बात कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ मोलेरिटी की बात कर रहे थे। वहां पर हमने दो कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। एक था हमारा मोलेरिटी ऑफ डाइल्यूशन और एक क्या था, मोलेरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलेरिटी ऑफ मिक्सिंग में भी हमने दो पार्ट किए थे, एक था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए और एक क्या था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन में भी हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था कि जो भी नॉन रिएक्टिंग आइडियल सॉल्यूशन होंगे उसकी मोलेरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, तो चलिए उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था कि हमने 50 ml HCl सॉल्यूशन लिया था जिसकी डेंसिटी हमने मानी थी 1.4 ग्राम पर ml, और इसका हमने वेट बाय वेट परसेंटेज माना था, कितना था, 50 था। फिर हमने बोला था कि इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया था 100 ml वॉल्यूम के साथ, किसका वॉल्यूम था, HCl सॉल्यूशन का, और जिसका हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिया था जो कितना था, 70 था। फिर हमने बोला था आगे क्वेश्चन में कि इन दोनों सॉल्यूशन को जब हमने मिक्स किया तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ऐड किया है और जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास जो बना है उसके लिए हमने बोला था कि इसका इसकी डेंसिटी थी कुछ 1.25 ग्राम पर एमएल और इसका वेट बाय वेट परसेंटेज माना था हमने 28। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना था यहां पर कि जो भी हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ऐड किया, हमें वो कैलकुलेट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा MR into VF इज इक्वल टू M1V1 + M2V2। क्लियर है फॉर्मूला? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, बात करते हैं पहले MR की, रिजल्टिंग मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला आपको सिखाया है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो एक बार प्लीज उस लेक्चर को जरूर विजिट कर लेना, जहां पर मैंने मोलरिटी मोलरिटी और मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन भी सिखाया है। ठीक है, उस लेक्चर को अच्छे से विजिट कर लेना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ वो कैसे आए, कैसे बन रहे हैं, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, तो एक बार वो पढ़ लेना। चलिए, रिजल्टिंग मोलिटी की बात करते हैं। फॉर्मूला होता है 10 dx/μmol of solute। क्या होता है रिजल्टिंग मोलिटी, जो भी हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या था, 10 dx/μmol of solute। ये जो एक्स होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या हो जाता है इसका मतलब, वेट बाय वेट परसेंटेज। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 10 × d, डेंसिटी कितनी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी लेंगे कितनी है, 1.25 इंटू वेट बाय वेट परसेंट कितना है, 28 है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, HCl है, फाइनल सॉल्यूशन क्या है, HCl का बन रहा है ना, तो सॉल्यूट कौन है, HCl है। HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, होता है। चलिए इसको यही रहने दो, इसको सॉल्व मत करो, हमेशा याद रखना जब भी आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल आता ना उसमें आपको सॉल्यूशन करनी पड़ती है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, बहुत बड़ा अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होता ना उसको सॉल्व मत करो, उसको लास्ट तक रहने दो, लास्ट में ले जाकर फिर सॉल्व करो उसे, वो इजिली सॉल्व हो जाता है। देखना मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब मैंने बात कर ली MR की, ठीक है, अब देखो आगे, अब कौन बचा, M1 कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से M1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M1 की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही 10 dx/μmol of solute। तो 10 × डेंसिटी कितनी है इसके लिए, इसकी है 1.4 इंटू वेट बाय वेट परसेंट कितना है, 50 है, अपॉन कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। अब बात करते हैं M2 की, M2 यहां से कैलकुलेट करेंगे तो M2 क्या हो जाएगा, 10 × अब देखो यहां पर क्या बोला आपको, इन दोनों में तो दिया था आपको वेट बाय वेट परसेंटेज, यहां पर क्या बोला है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 × वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये फॉर्मूला भी कैसे बना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया है। चलिए तो बात करते हैं आगे, 10 × वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना है, 70 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36.5। तो यहां पर हमें क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है एक तो MR, एक हमने कैलकुलेट कर लिया है M1 और एक हमने कैलकुलेट कर लिया है M2, तीनों कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट करते हैं। तो MR की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 1.25 × 28 अपॉन 36.5
36.5 इनटू वीएफ। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? तो देखो ये कितना है, 100 प्लस 50, 150 हो गया। 150 में आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ ऐड किया है तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस वीएमएल हो जाएगा। देखो यहाँ पर मिलीलीटर में चल रहा है, ध्यान रखना। M1 की वैल्यू वहां से उठाओ कितनी है, 10 इंटू 1.4 इंटू 50 अपॉन 36.5 इंटू V1। V1 कितना हो जाएगा इसके लिए, 50 हो जाएगा। प्लस M2 वहां से उठाओ, 10 इंटू 70 अपॉन 36.5 इंटू V2। वॉल्यूम कितना है, 100 है, ये 100 मैंने पुट कर लिया। ठीक है चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 36.5 है यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या 36.5 और यहाँ पे भी क्या 36.5, इसे कॉमन निकाल लो तो 36.5 से ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर कितना है, 10 है, यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ भी क्या है, 10 है। 10 को ऊपर से कॉमन निकाल लो तो इस 10 से ये 10 10 कैंसिल हो गया कैंसिल। बचा क्या है उसको लिखो, 1.25 इंटू 28, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 35 होगा। ठीक है इसको सॉल्व करना है, 35 होगा। 35 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, 150 प्लस वीएमएल इज इक्वल टू ये कितना, 1.4 इंटू 50 है, इंटू वापिस क्या है, 50 है। ठीक है तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2500, 2500 250, 250 इंटू 14 तो ये हो जाएगा समथिंग 3500। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3500 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7000, कितना हो जाएगा, 7000। आप क्या कीजिए, 35 को यहां पर में भेज दीजिए तो 150 प्लस VML ये तो हो गया 10500 अपॉन 35। सॉल्व कर लीजिए तो 150 प्लस VML इसे डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा, 300 क्या आएगा, मिलीलीटर आएगा। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करने पे कितना आ रहा है, 150 ml आ रहा है, हो रहा है ना। 150 को उधर भेज दो कितना आ जाएगा, 150 ml। तो हियर इज द योर आंसर, मतलब कि हमने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है, हमने यहां पर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर से जो एक्स्ट्रा ऐड किया था उसका वॉल्यूम कितना आया आपके पास, 150 ml आया। समझ में आता है न्यूमेरिकल, देखिए वापस समझा दो मैं आपको, मैंने यहां पर क्या क्या किया है। देखो मैंने पहले तो MR फाइंड किया, फॉर्मूला मुझे पता है कौन सा यूज करते हैं। दो सॉल्यूशन को जब भी मिक्स करते हैं और वहां पर हमने जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिला है उसकी अगर मोलरिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होती है, रिजल्टिंग मोलरिटी। वो कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू, MR into VF equal to क्या हो जाएगा, M1 V1 plus M2 V2। कैसे बना है ये फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है। अब बात करते हैं MR को कैलकुलेट करने की, तो MR यहां पर पुट किया हमने, MR क्या हो जाएगा, 10 dx अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, x का मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट। यहां से मैंने MR कैलकुलेट कर लिया, मतलब की रिजल्टिंग मोलरिटी कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से मैंने M1 कैलकुलेट कर लिया और M2 कैलकुलेट कर लिया, सारी वैल्यू उठाई यहां पर पुट किया और हमने क्या कैसे सॉल्व किया। अब बात बताओ मैंने क्या बोला था अभी आपको कि ये जो आप सॉल्व करें ना, यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे लेकिन यहां पर क्यों नहीं किया मैंने। देखो यहां पर इजीली क्या हो, ये कैंसिल आउट हो गया ना, हम पहले इसे मल्टीप्लाई करके बहुत परेशान होते थे, इससे अच्छा हमने देखो यहां पर सिंपल इनको क्या इजी वे में इनको कैलकुलेट करके कैंसिल आउट कर लिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जब भी बहुत बड़ा अगर कैलकुलेशन आता है तो उसे डायरेक्ट मत सॉल्व करो, उसको लास्ट तक रहने दो। हाँ अगर लास्ट में जाकर अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो फिर उसे सॉल्व करो, अदरवाइज उसे कैंसिल आउट हो जाता है मोस्ट ऑफली। तो ठीक है, तो ये था आपके पास मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग फॉर द नॉन रिएक्टिंग आइडियल सॉल्यूशन का लास्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको होमवर्क की फॉर्म में दिया था। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा, इसे जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो जल्दी से नोट कर दीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो मूव करते हैं आगे और देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा देखिए अब हम सीखने वाले हैं। देखिए अभी हमने क्या सीखा, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी किसके लिए सीखा हमने, वो आइडियल सॉल्यूशन जो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे, ऐसे आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे जो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। तो चलिए टॉपिक लिखिए, मिक्सिंग ऑफ
रिएक्टिव, आइडियल, सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिव आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं। मेरे पास है समथिंग एनएच है और HCl है। क्या मेरे पास एक तो है NaOH, एक है HCl, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बेस, और ये क्या है एसिड। तो एसिड और बेस को जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इसलिए क्लियर हो गया ना आपका, ये क्या होगी, रिएक्टिव सॉल्यूशन हो गए। मैंने मान लिया कि इसका कुछ वॉल्यूम ले लिया मैंने 300 ml एंड मोलरिटी ले ली मैंने 0.3 मोलर, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, 300 ml इसका वॉल्यूम ले लिया, मोलरिटी कितना ले ली, 0.3 ml, 0.3 मोलर। इसकी बात करते हैं, इसका लेता हूं मैं वॉल्यूम 200 और मोलिटी ले लेता हूं मैं 0.1 मोलर, ठीक है। ध्यान रखना ये ले लिया हमने, ये दो सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को आपने ऐड किया, इन दोनों को क्या किया आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, ऑब्वियसली बात आपको पता है, NaCl प्लस H2 बनाएंगे, ये तो आपको आता है। अब देखो NaOH की बात करते हैं, NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है, तो देखिए ये 0.3 मोलर है और वॉल्यूम कितना है 300 ml, तो इसके मोल्स कितने हो गए। अब ध्यान से समझ, यहां पर आपको आना जरूरी है, ये चीज समझ में आना जरूरी है, मोलरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यहां पर मिलीलीटर में लेके चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको मिलीलीटर वाला कंसेप्ट भी समझा देता हूँ कि जब मिलीलीटर है उसको लीटर में अगर कन्वर्ट नहीं करना है तो भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। मोलरिटी है 0.3, क्या है 0.3 मोलर। मोलर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है मोल पर लीटर होता है, यूनिट ये होती है ना, मोलर की जगह क्या ले सकते हैं हम, मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया मोल पर लीटर इज इक्वल टू, मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट के, वॉल्यूम दिया है हमें 300 मिलीलीटर, क्या दिया है 300 मिलीलीटर। इसे यहां पर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 0.3 मोल पर लीटर इंटू 300 मिलीलीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। हो गया, देखो अब ध्यान से इस लीटर को तो कैंसिल कर दो, बचा क्या मिली, मिली इंटू मोल क्या हो जाएगा, मिली मोल्स, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 60 मिली मोल्स। क्या हो जाएंगे आपके पास 60 मिली मोल्स, ये क्या आ गया आपके पास सॉल्यूट आ गए, क्या आ गए 60 मिली मोल्स, क्या आ गए सॉल्यूट आ गए। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं लगा, समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, आप इजी वे में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लो, यहां पर 300 की जगह क्या लिख लो, 0.3 लिख लो, और उसके थ्रू आप सॉल्व कर लो, आपके पास वो भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आप जो सॉल्व करोगे उसका आंसर भी एक्यूरेट आएगा। ये मैं समझा रहा हूं आपको, अगर आपके पास इस तरह से अगर यूनिट देते ना मिलीलीटर में, और आपको चाहते हो कि आप लीटर में कन्वर्ट ना करो, डायरेक्ट सॉल्व करो स्पीड बढ़ाने के लिए, तो कुछ मत करो, मिलीलीटर लिख लिया कोई बात नहीं, लीटर से लीटर यूनिट कैंसिल करना सीखो, लीटर से लीटर यूनिट कैंसिल, बचा क्या मिली, मिली इंटू मोल क्या हो जाएगा, मिली मोल्स हो जाएगा। तो उसे क्या लिख दिया हमने, मिली मोल्स एमएम लिख दिया, मतलब कि NaOH के कितने मोल्स है आपके पास, 60 मिली मोल्स है, कितने मिली मोल्स है 60 मिली मोल्स है, क्लियर है। HCl, HCl के कितने हो जाएंगे देख लो, ये कितने हो जाएंगे, 0.1 × 200 है, 20 मिली मोल्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 मिली मोल्स हो जाएंगे। हो गया, चलो फर्स्ट और चेक चेक कर लो, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, हाँ रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब मुझे बताओ इसके 1 मोल के लिए ये कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के लिए ये कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो इसके 60 ml के लिए, 60 मिलीमोल्स के लिए ये भी कितना चाहिए, 60 चाहिए ना, क्या हमारे पास 60 है, नहीं है, मतलब कि अब कौन सा कंसेप्ट लगेगा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट याद है ना, अगर नहीं पढ़ा है लिमिटिंग रिएजेंट तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सर्च करना लिमिटिंग रिएजेंट बाय शान केमिस्ट्री, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये क्या है, अब आपका LR है, मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस लिमिटिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 20 मिलीमोल्स ही, तो ये तो क्या हो जाएगा, इजीली कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, इसके 20 के लिए इसका भी कितना चाहिए, 20, तो बचेगा कितना इसका 40 मिलीमोल्स इसका बच जाएगा, क्या बच जाएगा इसका 40 मिलीमोल्स बच जाएगा। सुनना ध्यान से, इसके 1 मोल से ये कितना फॉर्म हुआ प्रोडक्ट, 1 मोल ही तो फॉर्म हुआ, तो इसके 20 मिलीमोल से भी ये कितना फॉर्म होगा, 20 मिलीमोल्स फॉर्म होगा,
सही है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है मोलरिटी, और मोलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी बताओ, ये तो क्या है NaCl, ये तो क्या क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, तो इसकी तो बात करते नहीं है। बचा क्या है सॉल्यूशन के अंदर, बेस बचा है, तो बेस के ऊपर डिपेंड आपकी मोलरिटी वाला जो फॉर्मूला है ना वो इस बेस के ऊपर लगेगा, इसकी बची हुई कंसंट्रेशन के ऊपर लगेगा। तब तो देखो मोलरिटी लगाते हैं, मोलरिटी क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, मोलरिटी हो जाएगी आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स कितने बच गए, 40 मिलीमोल्स बच गए, कितने बच गए 40 मिलीमोल्स बच गए। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देखो ये था 300 प्लस 200, तो कितना हो गया 500 मिलीलीटर हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 500 मिलीलीटर हो गया, हो गया। चलो देखो मिली से मिली कैंसिल, इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इस मिली मोल्स को भी मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, मिली से मिली कैंसिल, बचा क्या है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब कि मोलरिटी की यूनिट आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास 0.8, कितना हो जाएगा, चार ना फोर है ना, तो 4/5 0.8 होता है, 0.08 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.08 मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा 0.08 मोल पर लीटर। मतलब कि आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, जब NaOH और HCl को आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, और जो भी कंसंट्रेशन NaOH की बच गई है उसकी अगर मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो वो कितनी आ रही है 0.08 मोल पर लीटर। इसे आप मोल पर लीटर लिखो या फिर मोलर बोल दो या फिर कैपिटल एम बोल दो, कोई बात नहीं, सबकी यूनिट के सब किसकी यूनिट है, मोलरिटी की ही यूनिट है। तो ये था आपका रिएक्टिंग सॉल्यूशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल, आई होप न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसे आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं एक और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराता हूं इसी कंसेप्ट के ऊपर, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, तो चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम इन ml, पहले ही बोल दिया मिलीलीटर में कैंसिल कैलकुलेट करना है, व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन शुड बी मिक्स विथ should be mixed with the 40 ml of 0.1 molar NaOH solution such that the resulting सॉल्यूशन हैज द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एज 0.1 मोलर। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल दिया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका सॉल्व करने का एक बार ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है H2SO4, 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन शुड बी मिक्स विथ H2SO4, लिया एक सॉल्यूशन लिया, कितना मोलरिटी है 0.2 मोलरिटी है, और इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है, तो मैं VML इसका वॉल्यूम मान लेता हूं। ठीक है, ये होगी इसकी मोलरिटी, ये होगी इसका वॉल्यूम, इसको आपने मिक्स किया है किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, और बोला है कितना वॉल्यूम इसका 40 ml है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर है। ठीक है, इसके साथ आपने क्या किया है, H2SO4 को मिक्स किया है, अब ये एसिड है और ये बेस है, तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, तो ये बना लेगा Na2SO4
प्लस टू एच टू ओ, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये हो जाएंगे टू, देख लो आगे फोर, ओके नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। रिएक्शन अगर बैलेंस है तभी आपका सही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए अब समझते हैं इसको, यहां पर हमें क्या बोला है, 0.2 मोलर का VML सॉल्यूशन लिया है, इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दो तो क्या आ जाएगा, इसका मिलीमोल आ जाएगा, तो वो आ जाएगा समथिंग 0.2 मिलीमोल्स आ जाएगा इन, सॉरी 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 सॉरी, क्या था मोलरिटी, क्या थी मोल्स अपॉन वॉल्यूम था ना, तो मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी थी इसकी 0.2, वॉल्यूम था वी, तो क्या आ जाएगा 0.2 इंटू वी मिलीमोल्स आ जाएगा इसके सॉल्यूट का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो यहां पर लिख दो आप 0.2 वी मिलीमोल्स लिख दोगे, इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मिलीमोल्स, कितना हो जाएगा 4 मिलीमोल्स, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब यहां पर इन दोनों में से कौन लास्ट में बचेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना ना, लिमिटिंग रिएजेंट कब बताओगे, जब दोनों का अमाउंट एक्यूरेट पता हो, इसका आपको एक्यूरेट अमाउंट पता है लेकिन इसका एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं पता ना, तो इसके क्लियर मिलीमोल्स कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते। ऐसे कंसेप्ट में क्या, क्वेश्चन वापस पढ़ो, सच दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्या बोला है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एज 0.1 मोलर, मतलब कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर कौन है, 0.1 मोलर का H2SO4 है। इट मींस अगर ये बच रहा है H2SO4, तो H2SO4 किस में है, एक्सेस अमाउंट में है, तो बताओ लिमिट में कौन होगा, ऑब्वियसली बात है NaOH किस में होगा आपका, लिमिट में होगा, मतलब कि ये क्या होगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ आ रही बात, बोला है क्वेश्चन में कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर H2SO4 प्रेजेंट है 0.1 मोलर का, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बचेगा उसके अंदर कौन होगा, 0.1 मोलर का H2SO4 होगा। ये कब बच सकता है, जब ये एक्सेस में हो, अगर ये एक्सेस में है तो लिमिट में कौन होगा, ऑब्वियसली बात है कौन होगा, NaOH होगा। क्लियर हुई कंसेप्ट, समझ में आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का कंसेप्ट, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। ये तो क्या है आपके पास, ये तो सॉल्ट है तो इसकी बात तो करेंगे नहीं, ठीक है, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा तो इसकी कंसेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात करेंगे, इन दोनों में से कंसेंट्रेशन की बात करेंगे, तो हमारा H2SO4 लास्ट में बच रहा है, कोई बात नहीं। ये तो क्या हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये कितना बचेगा, देखो 2 मोल्स के लिए ये कितना चाहिए, 1 मोल, तो 4 के लिए भी ये कितना चाहिए, 2 मोल, तो 0.2V माइनस 2 मोल, 2 मोल के लिए 1 चाहिए तो 4 के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, तो जितना है उसमें से 2 मिलीमोल्स क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो कंज्यूम कर दिया मैंने, आ गया, तो ये आ गया आपके लास्ट जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके मिलीमोल्स आ गए, आगे चलो अब करते हैं सॉल्यूशन और लगाते हैं फॉर्मूला मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बचे लास्ट में, 0.2 वी मिलीमोल्स माइनस 2 मिलीमोल्स। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, तो देखो कितना मिक्स किया आपने, इसका तो पता नहीं है तो इसका तो वी हो गया, प्लस इसका कितना था वॉल्यूम, इसका था 40 ml था, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल, 40 प्लस वी मिलीलीटर, 40 प्लस वी मिलीलीटर हो जाएगा। मोलरिटी, मोलरिटी की देख लो इसको, हाँ सॉरी मोलरिटी कितनी है, 0.1 मोलरिटी की, तो इसको इक्वल कर दो 0.1 के, किसके इक्वल कर दो 0.1 के, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से इसे सॉल्व करोगे तो देखो 40 प्लस वी मिलीलीटर को ले जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो देखो सॉल्व करता हूं मैं इसे, 0.2 V mmol - 2 इज इक्वल टू 40 × 0.1 कितना हो जाएगा, 4 4, क्या ये तो क्या है, ये मोलरिटी है, मोलरिटी मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, ये क्या था 40 मिलीलीटर था, तो लीटर से लीटर तो गया, बचा क्या मिलीमोल्स, बचा क्या मिलीमोल्स, और ये टू भी क्या था, ये भी मिलीमोल्स थे, प्लस प्लस आगे क्या बचा 0.1 V, क्या बचा 0.1 V, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 0.1 को इधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 0.1 V - 6 मिलीमोल्स, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहां पर आपके पास 60 मिलीलीटर, कितना आ जाएगा 60 मिलीलीटर, तो हियर इज योर आंसर।
समझ में आया? देखो कंफ्यूजन कहाँ होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा आपको, ये जो मैं वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन सॉरी ये जो यूनिट लेके चल रहा हूं मैं, इस यूनिट में आपको कंफ्यूजन होगा। इसे ध्यान से समझिए, मैं वापस समझा रहा हूँ आपको, पूरा न्यूमेरिकल देखिए। आपको हमें वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। H2SO4 को हमने मिक्स किया था NaOH के साथ, ये कर लिया मैंने, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट, चेक कर ली रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमें ये चेक करना था कि LR कौन है। LR वो होगा जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, जिसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। तो यहाँ पर LR तो हम पहचान नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास दोनों के यहाँ पर जो H2SO4 था उसका वॉल्यूम नहीं पता था, इसलिए हम LR नहीं बता सकते। हमने क्वेश्चन वापस पढ़ा, क्वेश्चन में बोला था कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कौन है, H2SO4। इसकी कंसंट्रेशन कितनी बोली इसने, 0.1 मोलर, मतलब कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कौन है, एसिड है, मतलब कि ये बच गया तो कंज्यूम कौन हुआ, ऑब्वियसली बात है NaOH कंज्यूम हो गया। तो कंज्यूम हो गया मतलब कि ये 4 मिलीमोल से कितना हो गया, जीरो। अब इसके 2 मोल्स के लिए इसका 1 मोल चाहिए। रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री से हम बता सकते हैं कि इसके कितने मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे। तो देखो 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 मिलीमोल के लिए कितने चाहिए, 2 मिलीमोल्स। तो जितना है उसमें से 2 मिलीमोल्स हटा दो, वो बच गया, सही है। अब बात करते हैं कंसंट्रेट वॉल्यूम कैलकुलेट करने की, तो फॉर्मूला लगाते हैं मोलरिटी का, वो क्या आ जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने थे, कुछ ये थे 0.2 V मिलीमोल्स माइनस 2 मिलीमोल्स, अपॉन वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देखो इसका तो 40 ml NaOH का, प्लस इसका H2SO4 का वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करना था, तो 40 + V मिलीलीटर इज इक्वल टू, मोलरिटी क्या थी, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या थी, 0.1 मोल पर लीटर थी, ठीक है। अब देखो इसको मैंने यहां रखा, 40 + V को उधर भेज दिया, तो 0.1 × 40 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 4 मिलीमोल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 0.1 मोल पर लीटर इंटू 40 मिलीलीटर, लीटर से लीटर गया, 40 × 0.1 कितना हो गया, 4 मिलीमोल्स, तो इसलिए ये आया कितना, 4 मिलीमोल्स, सही है। प्लस 0.1 × V, वही लीटर से लीटर कैंसिल, बचा क्या, 0.1 V मिलीमोल्स बचा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे 2 मिलीमोल्स को इधर भेजो कितना हो गया, 6 मिलीमोल्स हो गया, 0.1 को इधर भेज दो कितना हो गया, 0.1 V हो गया, ठीक है। तो V लीटर को जो सॉरी वॉल्यूम जो कैलकुलेट करना है उसे कितना आ जाएगा, 16 मिली लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ चुका होगा, इसे अच्छे से नोट कीजिए। और हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ रहे थे वहां पर हमने सीखा आइडियल सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी हमने 2 पार्ट बनाए, एक था हमारे पास नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन और एक क्या था हमारे पास रिएक्टिव सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही कंसेप्ट ने आपको क्लियर कर दिया। अब बचा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एक बचा है मोलरिटी ऑफ आयंस, उसे भी हम अभी थोड़ी देर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, तो इसे रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं। देखिए देखिए, तो अब हमारा टॉपिक मोलेरिटी ऑफ आयंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलेरिटी ऑफ आयंस, ठीक है। जब हमारे पास आयंस के ऊपर क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो उस टाइम जैसे NaCl है, NaCl किसमें ब्रेक होता है, Na++Cl- के अंदर ब्रेक होता है। तो अगर मैं आपसे कभी पूछ लूं कि मुझे आप सिर्फ Cl- के कंसंट्रेशन बताओ, तो वो भी तो आप समझ में आना चाहिए ना हमें, तो हम उसकी बात कर लेते हैं मोलेरिटी ऑफ आयंस के थ्रू। तो देखिए मैं बात करता हूं फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। देखो मैं बात कर रहा हूं पहले BaCl2 की, मैं बोल लेता हूं कि मेरे पास BaCl2 समथिंग कुछ प्रेजेंट है, हम मान लेते हैं 200 ml एंड 0.1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो BaCl2 है देखो, इसको
ये BaCl2 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपका जो BaCl2 है, ये BaCl2 डिसोसिएट होता है Ba+2 में, +2Cl- के अंदर। BaCl2 किसके अंदर डिसोसिएट होगा, Ba+2 +2Cl- के अंदर, समझना। आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करना सीखा है 9th क्लास के अंदर, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं BaCl2, Ba+2, 2Cl- की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसकी है 0.1 मोलर। कितनी है इसकी, देखो ध्यान से, इसकी है 0.1 मोलर। एक और चीज, रिएक्शन आपकी बैलेंस है ना, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, इसकी 0.1 मोलर है। अब मुझे बताओ स्टोइकियोमेट्री मेथड यूज करो और मुझे ये बताओ, इसका अगर 1 मोल है, आपने 1 मोल BaCl2 लिया और ये जब डिसोसिएट हो रहा है Ba+2 +2Cl- के अंदर, तो इसके 1 मोल से Ba+2 के कितने मोल्स बने, 1 मोल बने। इसके 1 मोल से ये 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके 0.1 मोलर अगर मैं लू कंसंट्रेशन, तो उससे ये कितना बनेगा, 0.1 मोलर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। इसके 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो इसके 0.1 मोलर से ये कितना बनेगा, ऑब्वियसली बात है कितना बनेगा, 0.2 मोलर बनेगा। तो ये क्या तरीका था कंसंट्रेशन चेक करने का, समझ में आ रही बात। देखो स्टोइकियोमेट्री मेथड यूज करें, सिंपल सा, अगर इसके 1 मोल से ये 1 मोल और ये 2 मोल के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके 0.1 मोलर से भी ये कितना बनेगा, 0.1 मोलर। इसके 1 से ये 2 बन रहा है, तो इसके 0.1 से कितना बनेगा, 0.2 मोलर हो गया। अगर आपको मोलरिटी में बात नहीं करके मोल्स की बात करनी है कि मोल कितने प्रोड्यूस हुए सर ये बताइए, तो मोल्स की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से मोल्स की बात करते हैं, इसके मोल्स कैलकुलेट करो पहले, इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसकी, इसके मोल्स हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 20 मिलीमोल्स हो गए। कितने हो गए, 20 मिलीमोल्स हो गए। इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो इसके 20 मिलीमोल से भी इसके कितने मिलीमोल्स क्रिएट होंगे, 20 मिलीमोल्स। इसके 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो इसके 20 मिलीमोल से ये कितना फॉर्म हो जाएगा, 40 मिलीमोल्स आपका फॉर्म होगा। तो ये तरीका था स्टोइकियोमेट्री मेथड, आपको सिंपल से यूज करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने स्टोइकियोमेट्री मेथड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, उसको चेक कर लेना, आपको इजिली समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। सुनना ध्यान से वापिस, इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके 20 मिलीमोल से भी कितना बनेगा, 20 मिलीमोल के अंदर डिसोसिएट होगा। इसके 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो इसके 20 मिलीमोल से इसके कितने बनेंगे, 2 × 20 मतलब कि 40 मिलीमोल इसके प्रोड्यूस होंगे क्लोरीन माइनस के, समझ में आ गई बात। चलिए ये कंसेप्ट मैंने क्यों लिया, मैंने इसको इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप अगर जी मेंस और नीट के अगर एस्पिरेंट हो तो जरूर आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इवन जी मेंस की मैं बात ना करूं ना नीट की बात करूं, 12th में जब आप आओगे तब भी इस कंसेप्ट का आप यूज जरूर करोगे। इवन अभी कुछ टाइम बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम का, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पर भी आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे। इसलिए मैं आपको जितने भी मोलरिटी टर्म के ऊपर, जितने भी वेराइटी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जो भी कंसेप्ट है वो हर कंसेप्ट लेकर चल रहा हूं मैं, आपको ध्यान से समझाता चल रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर एक और बात थी बेटा, आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका रिप्लाई दीजिए, हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो यस समझ में आ रहा है, नाइस वीडियो, व्हाटएवर, जो भी आपको देना चाहो। नहीं समझ में आ रहा तो क्या समझ में नहीं आया, वो पूरा टॉपिक लिख लीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आया है, अब मैं मूव कर रहा हूँ आगे और एक न्यूमेरिकल लेकर मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू और देखिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से, हमने क्या लिखा है, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मेरे पास है 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaCl प्लस, इसके साथ ले रहा हूं मैं 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर CaCl2, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां पर बताना क्या है, यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन किसकी, तो Na प्लस की, Cl माइनस की और Ca+2 की, इन तीनों की,
इन तीनों की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करें तो देखो, NaCl, NaCl को जब आप CaCl2 के साथ मिक्स करोगे तो ओके, मिक्स तो नहीं करेंगे ना, इसको अलग अलग लेते हैं। हाँ दोनों न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना, चलो अलग अलग लेते हैं। NaCl डिसोसिएट किसमें होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर डिसोसिएट होगा। ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। NaCl Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। अब देखो आगे, इसका कितना है, 0.1 मोलर और 200 मिलीलीटर, तो कितने हो गए मोल्स हो गए, इसके हो गए 20 मिलीमोल्स हो गए, कितने हो गए 20 मिलीमोल्स हो गए। अब मुझे बताओ इसके 1 मोल से ये कितना बना, 1 मोल, और ये भी कितना बना, Cl माइनस में कितना बना, 1 मोल। तो इसके 20 मिलीमोल से भी ये कितना बनेगा, 20 मिलीमोल्स, और ये कितना बनेगा, 20 मिली मोल्स बनेगा, बनेगा सही है। अब बात करते हैं आगे, अभी कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं वो आगे समझाता हूं मैं। अब कौन है साथ में, CaCl2 है। अब बात करते हैं CaCl2 की, तो जब CaCl2 डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Ca+2 + 2Cl- बनाएगा, बनाएगा। इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कितने मिलीमोल्स होंगे इसके, भी 20 मिलीमोल्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसके 20 मिलीमोल्स। तो बताओ इसके 1 मोल से, इसका देखो CaCl2 का 1 मोल से ये Ca+2 कितना है, एक, तो 20 से कितना होगा, ये भी 20 मिलीमोल्स प्रोड्यूस होगा, होगा। इसके 1 मोल से ये 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है Cl माइनस, तो इसके 20 मिलीमोल से वो कितना प्रोड्यूस होगा, 40 मिलीमोल प्रोड्यूस होगा, होगा। चलिए अब करते हैं कैलकुलेट क्या इनकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मतलब कि मैं मोलेरिटी की बात कर रहा हूं, Na प्लस की मोलेरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मोलेरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ Na प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसी तरह से करेंगे। तो बताओ मोल्स कितने हैं Na प्लस के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या है पूरा एक सॉल्यूशन आपके, इन दोनों को आपने क्या किया था, मिक्स किया था ना, और मैंने आपको ये बोला था कि NaCl और CaCl2 रिएक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, NaCl और CaCl2 क्या रिएक्ट करेगा, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन एनायन मिलेगा तो भी NaCl ही बनाएगा, ये कैटायन और ये एनायन, Ca और Cl मिलेगा वो भी CaCl2 ही बनाएगा, तो कुछ नया नहीं बना रहा, वो का भी बना रहा है, इसलिए मैंने बोला रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस की, और फॉर्मूला है मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, तो भाई 20 मिली मोल्स है, अरे है क्या 20 मिली मोल्स प्रोड्यूस हुए ना Na प्लस। वॉल्यूम कितना है बताओ मुझे, वॉल्यूम कितना है, 200 + 200 कितना हो गया, 400 हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 400 मिली लीटर हो गया, मिली से मिली गया तो कितना बचा, 20 अपॉन 400, इसे सॉल्व कर लो, 20 अपॉन 400 मोल पर लीटर, इसे सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, सॉल्व करूं मैं, देखो कितना हो जाएगा, ये 0 गया, 2 गया, 2 2 4 कितना 20 आएगा ना, 1 से 0 गया 20 आएगा, 1 अपॉन 2 कितना हो गया 0.5, 0.05 मोलर, कितना हो गया 0.05 मोलर हो गया। मतलब कि इस पूरे सॉल्यूशन में Na प्लस जो कैटायन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसकी कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर है। फिर बात करते हैं आगे, और नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं Ca को, कैल्शियम को। तो कैल्शियम Ca+2 की मोलरिटी की बात करते हैं, Ca+2 की मोलरिटी क्या हो जाएगी, वही मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वही है 400 मिलीलीटर, वॉल्यूम तो चेंज होने से रहा। मोल्स कितने हैं कैल्शियम के, तो देखो 20 मिलीमोल्स है, 20 मिलीमोल्स है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.05 मोलर ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.05 मोलर ही हो जाएगी। अब लास्ट है हमारा क्लोरीन, तो क्लोरीन की बात कर लेते हैं। देखो Cl माइनस की मोलरिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, Cl माइनस को वॉल्यूम तो है 400 मिलीलीटर, Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, तो पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में एक बन रहा है यहां पर Cl माइनस, और एक क्या बन रहा है यहां पर Cl माइनस बन रहा है। तो जब सॉल्यूट की बात करूंगा तो दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 40 + 20 कितने हो गए, 60 मिलीमोल्स हो गए, कितने हो गए 60 मिलीमोल्स, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, मिली से मिली कैंसिल, 60 अपॉन 400 मतलब कि 6 अपॉन 40 मोल पर लीटर, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या होगा आपका आंसर होंगे। क्या समझ में आया कंसेप्ट, मोलरिटी ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप क्लियर होगा आपको, क्या करना है आपको, आपको सॉल्यूशन चेक करना है कि आपको सॉल्यूशन क्या दिया है, सॉल्यूशन था NaCl और CaCl2,
दोनों की डिसोसिएशन के रिएक्शन लिखो। डिसोसिएशन के रिएक्शन मतलब कि NaCl डिसोसिएट हो रहा है Na+ और Cl- में, CaCl2 डिसोसिएट हो रहा है Ca+2 और 2Cl- के अंदर हो रहा है। अब यहां पर ये चेक करो, हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इन आयंस की, तो इनके पहले मिलीमोल्स कैलकुलेट करो, मोल्स या मिलीमोल्स जो भी आप समझ में आता हो वो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट किए तो NaCl के कितने हो जाएंगे, NaCl एक NaCl एक Na+ को प्रोड्यूस कर रहा है और एक NaCl एक Cl- को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके 20 मिलीमोल से भी ये 20 ही फॉर्म होगा दोनों, सही है। CaCl2 की बात करते हैं, CaCl2 को एक मोल लिया तो एक Ca+2 फॉर्म किया और एक CaCl2 ने क्या फॉर्म किया, 2Cl- फॉर्म किया। रिएक्शन चेक करो बैलेंस है, इसके 20 मोल से 20 मोल बन रहा है, इसके 20 मोल से कितना बन रहा है, 40 मोल बन रहा है। अब पूछा क्या उसने, कंसंट्रेशन पूछी, तो वन बाय वन सबके कैलकुलेट करो। Na+ की मोल रेडी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ Na+ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करो, 200 इसका था 200 इसका था, कितना हो गया वॉल्यूम, 400 हो गया। मोल्स की बात कर रहा है Na+ की, तो पूरे सॉल्यूशन में Na+ कहां है, ओनली यहां पर है, कितना है 20 मिलीमोल्स, पुट किया सॉल्व किया आंसर आ गया। इसी तरह से कैल्शियम भी सॉल्व किया और क्लोरीन भी सॉल्व किया। क्लोरीन के केस में क्या था, वॉल्यूम तो वही था 400, लेकिन कंसंट्रेशन की बात में जब सॉरी मोल्स की बात करता हूं तो यहां पर 20 प्लस यहां पर 40, तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल पूछा ना हमसे, तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स कितने हो गए, 60 मिलीमोल्स हो गए, पुट किया और सॉल्व कर लिया। तो आई होप मोलरिटी ऑफ आयंस ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका है, इसे जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, देखो आगे मूव करते हैं और एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका कंसेप्ट के ऊपर। देखिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द मोलरिटी ऑफ सीएल माइनस इन एन एक्वस सॉल्यूशन विच हैज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 5.85% ऑफ NaCl, ठीक है। फिर आगे बोला है 22.2% ऑफ CaCl2 और फिर बोला है आपको 5.35% ऑफ NH4Cl। इन दिनों क्या दिया आपको, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, ठीक है। चलो ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सीएल माइनस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, तो स्टार्ट करें। देखो सॉल्यूशन बात करते हैं तीनों को, NaCl की मोलरिटी निकालते पहले, तो NaCl की मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलरिटी ऑफ NaCl कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगी 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl, पता ना फॉर्मूला, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 5.85 अपॉन 10 इंटू 5.85, ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। NaCl का मोलर मास कितना होता है, तो ये होता है 58.5, कितना होता है 58.5, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 1 मोलर आएगा, कितना आएगा 1 मोलर आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, CaCl2, तो मोलरिटी ऑफ CaCl2 कैलकुलेट करते हैं आप, कितनी हो जाएगी 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, कितना इसका 22.2% अपॉन CaCl2, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 111 होगा, ठीक है, 111 होता है इसका मोलर मास। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 2 मोलर आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, और नेक्स्ट क्या हमारे पास, मोलर मास ऑफ NH4Cl, ये हो जाएगा 10 इंटू 5.35 अपॉन
मोलर मास ऑफ NH4 सेल कैलकुलेट कर लेना, ये होता है 53.5। इसे सॉल्व करोगे तो मोलरिटी कितनी आएगी, 1 मोलर आएगी। आगे तीनों की मोलरिटी पता चल गई है, लेकिन हमें किसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, हमें सीएल माइनस आयन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। सीएल माइनस आयन की मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो यहां पर सीएल माइनस की मोलरिटी निकालो। बताओ एनएसीएल डिसोसिएट होगा तो किसके अंदर डिसोसिएट होता है, एनएसीएल, ये डिसोसिएट होता है एनए प्लस प्लस सीएल माइनस के अंदर। इसके 1 मोल से ये दोनों भी क्या बनेंगे, 1 1 मोल। तो इसकी 1 मोलर अगर कंसंट्रेशन है इस एनएसीएल की, तो सीएल माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर होगी। तो यहां पर जो सीएल माइनस की कंसंट्रेशन है कितनी है, 1 मोलर है। यहां पर बात करो सीएसीएल टू किसमें डिसोसिएट होगा, सीए प्लस टू प्लस टू सीएल माइनस में, सही है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर। अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है, इसके 1 मोल से ये 2 मोल के अंदर डिसोसिएट हो रहा है क्लोरीन, इसके 2 मोलर से इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 4 मोलर। तो यहां पर सीएल माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 4 मोलर हो गई। यहां पर कितनी हो जाएगी, सीएल माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 मोलर। कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। बताओ अब सॉल्यूशन के अंदर कौन है, ये तीनों है ना, सॉल्यूशन के अंदर एनएसीएल भी है, सीएसएल टू भी है और एनएचफोर सीएल भी है। तो तीनों को ऐड करके, तीनों की सीएल माइनस की कंसंट्रेशन को ऐड करके तो ही बताओगे कि टोटल सॉल्यूशन की सीएल माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो कितनी हो जाएगी टोटल सीएल माइनस की कंसंट्रेशन, कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन में, 4 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 6 मोलर। तो हियर इज द योर आंसर। समझ में आया क्या क्या, हमने तीनों को, तीनों की मोलरिटी कैलकुलेट कर ली, तीनों किस तरह से डिसोसिएटेड थे रिएक्शन लिख ली, वहां से हमने सीएल माइनस की कंसंट्रेशन चेक कर ली तीनों के लिए अलग अलग। फिर हमने, हमसे क्या पूछा था, टोटल सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछी, सॉल्यूशन में सीएल माइनस की मोलरिटी पूछी थी, तो हमने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए तो कर लिया, आगे मूव करें, देखिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दूंगा। चलिए तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट आपके पास है 2 मोलर ऑफ 100 ml H2SO4 सॉरी यहां पर है Na2SO4 इज मिक्स्ड विथ 3 मोलर ऑफ 100 ml NaCl solution and 1 molar of 200 ml CaCl2 solution. फिर बोला आगे, then the ratio of रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, इज कैलकुलेट करना है हमें, जो कितना दिया है, हाफ दिया है, फिर दिया है 1:1, फिर दिया है 1:4 और फिर दिया आपको 1.5। 1.5 बोला, 1.5 सेम ही है, हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3:2, मान लिया कुछ भी हमने, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो यहां पर क्या बोला है आपको, यहां पर बोला है 2 मोलर ऑफ 100 ml Na2SO4 इज मिक्स्ड विद 3 मोलर ऑफ 100 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन एंड 1 मोलर ऑफ 200 ml ऑफ CaCl2 सॉल्यूशन। आपको क्या पता करना है, आपको कंसंट्रेशन रेशियो पता करना है केटायन एंड एनायन का। करें स्टार्ट, तो देखो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या क्या है, पहले तो है Na2SO4 कितना बोला है, 100 ml बोला है, ठीक है, 2 मोलर ऑफ 100 ml Na2SO4 बोला है। फिर बोला है आपको 3 मोलर ऑफ 100 ml NaCl और फिर बोला है आपको CaCl2 कितना, 1 मोलर का 200 ml CaCl2
टू बोला है आपको। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको क्वेश्चन में घुमाया गया है। क्यों? देखो Na2SO4 और NaCl ये तो आपस में रिएक्ट करने से रहे, ये दोनों तो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो केटायन कौन है, Na। यहां पर केटायन कौन है, Na। Na Na से रिएक्ट करेगा तो भी Na2SO4 बनाएगा, ये Na क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो भी NaCl बनाएगा, तो ये दोनों तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। CaCl2 देखो, CaCl2 यहां पर क्या है, Na2SO4, तो यहां पर कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट बना सकता है CaSO4। Na क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, NaCl बना सकता है। मतलब कि ये दोनों तो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और ये कहां पड़ा रहेगा आपका, प्रोडक्ट के फॉर्म में पड़ा रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर लिया है आपने Na2SO4, ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड के साथ और आपको दे रहा है कैल्शियम सल्फेट का वाइट पीपीटी अलोंग विथ NaCl सॉल्यूशन, अलोंग विथ NaCl सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, देखो ये Na2 जो SO4 है, ये रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर हो जाएगा 2, फिर क्लोरीन हो गए 2, सल्फेट हो गए, हाँ चलो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। रिएक्शन में ये तो पार्ट लेगा नहीं कहीं पे भी, ये तो कहीं पार्ट ले नहीं रहा। पार्ट क्या ले रहा है, पार्ट ले रहा है आपके पास देखो 2+1 3+1 4, चलो देखो इसके पहले मिलीमोल्स देखते हैं, इसके मिलीमोल्स कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 मिलीमोल्स, क्या हो जाएगा 200 मिलीमोल्स। कैल्शियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 200 मिलीमोल्स हो जाएगा। अब मुझे बताओ दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी 200, ये भी 200, मतलब कि दोनों ही क्या करेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट कंज्यूम हो जाएंगे, और दोनों लास्ट में कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मुझे बताओ ये कितना फॉर्म होगा, देखो ऑब्वियसली 200 में 200 दोनों है, इसके लिए क्या था 1 मोल था, इसके लिए क्या था 1 मोल था, ये भी कितना फॉर्म होगा 200 मिलीमोल्स फॉर्म होगा, और ये कितना फॉर्म होगा 400 मिलीमोल्स फॉर्म होगा, डबल फॉर्म होगा ना वो तो, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कैटायन जो कंसेंट्रेशन बतानी है कैटायन और एनायन की, बताओ बच्चा क्या है, ये तो क्या है CaSO4, ये तो हो गया आपका पीपीटी, तो पीपीटी की तो बात करेंगे नहीं, रहेगा क्या, ये रहेगा NaCl एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और इसी की कंसेंट्रेशन रेशियो की बात करनी है। तो बताओ यहां पर जो NaCl है, NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, ये डिसोसिएट होने पर क्या बनाएगा, Na++Cl-। बताओ यहां पर 1 मोल से कितना फॉर्म होता है, ये 1 1 मोल ही तो फॉर्म होता है, तो इसका कंसंट्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, कितना होगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व समझ में आ चुका है, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ होमवर्क में, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो अब लिखते हैं होमवर्क आपके लिए। देखो होमवर्क क्या है आज का, तो होमवर्क है आपके पास कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H+ आयंस व्हेन फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। वन पॉइंट फाइव मोलर ऑफ 100 ml H2SO4 प्लस 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl प्लस 200 ml HNO3, 200 ml
HNO3 जो कितना है आपके पास 2 मोलर है, ठीक है। तो ये आपके पास होमवर्क है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है H प्लस आयंस की। कब, जब आपने क्या किया है 1.5 मोलर का 100 ml लिया H2SO4, 200 ml लिया 3 मोलर का HCl और 2 मोलर का HNO3 लिया कितना 200 ml, तीनों को मिक्स किया, तीनों के अंदर क्या करो H प्लस की डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, फिर तीनों क्या करो ऐड कर दो। ये अभी हमने जो कंसेप्ट किया था ना एक न्यूमेरिकल किया था Cl माइनस के ऊपर, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, देखो स्टूडेंट आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंदी हो चुका है, तो इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुद कराऊंगा वापस, और वहां पर हम कंप्लीट कर लेंगे नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग बाकी ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।